अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑन काशिव रूटीन। सुबह बखैर, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का दिन 10 जुलाई इतवार का दिन, ईद उल अज़हा का दिन, कुर्बानी का दिन, तो होगा अल्टीमेट ईद विलाग, कुर्बानी विलाग। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना है, शुरू से लेकर आखिर तक सारा विलाग देखना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और मज़ा भी आएगा। A few moments later. हाँ जी दोस्तों, कैसा लग रहा, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि तैयारी वगैरह कर लिए, जूते भी पहन लिए, कपड़े भी पहन लिए, तो ईद नमाज अदा करने जाना है। ईद उल अज़हा की करीबी स्कूल के अंदर यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे। कोई ना कोई मीठा खाना घर के अंदर ज़रूर पकता है ईद के मौके पर। हम ऐसे नहीं जाते, नाश्ता हल्का फुल्का करके जाते हैं ईद नमाज अदा करने के लिए। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का। तो दोस्तों, ये सेवियाँ पकी हुई हैं और साथ में लस्सी का गिलास। नाश्ता करते हैं अभी और बाद में सारे फैमिली अपना तैयारी वगैरह करके चलेंगे ईदगाह की तरफ ईद नमाज अदा करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लें, सारी नहीं खानी, थोड़ा सा बस। तो दोस्तों, अपना खाना वगैरह खा लिया है, अभी अपना ईदगाह की तरफ रवाना है, पूरी फैमिली साथ है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज अदा कर ली, तो ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो। बहुत सारे दोस्त अहबाब आए, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक दी मिले। अभी मैं अपना घर आ गया हूँ, तो देखते हैं कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो करते हैं और शुरू करते हैं नेक काम। कुर्बानी का, कुर्बानी करनी है, सारे मिलकर वो करते हैं, वो माहौल भी आपको दिखाएँगे, इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको। तो कुर्बानी की बकरी ले जा रहे हैं दुकान पर, वहाँ पर कुर्बान करेंगे, अल्लाह मंजूर फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बासित खान लेकर जा रहा है। चलो भाई, चलो चलो चलो। तो दोस्तों, अभी अपना कुर्बानी वगैरह कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी कुर्बानी की, अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाए। तो जी, माहौल बेहतरीन है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है, बादल बने हुए हैं। गांव का थोड़ा माहौल आपको दिखा दूं, बाद में आपसे बात करते हैं। दोस्तों, आपने माहौल देखा, खूबसूरत माहौल, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। गांव का माहौल थोड़ा गर्मी है, लेकिन बादल होने की वजह से खूबसूरत बहुत दिख रहा है। तो जी, थोड़ी देर बाद अपना गोश्त वगैरह, खाना वगैरह पक जाएगा, दोपहर का खाना खाएंगे, बाद में देखते हैं कि कहाँ जाना है या घर पर रहना है, वो बाद में आपसे शेयर करेंगे, पहले खाना खाएँगे दोपहर का। दोस्तों, मैंने अपना दोबारा तैयारी वगैरह कर ली, खाना भी खा लिया, अभी रेस्ट कर रहा था और एक दोस्त का इंतज़ार है, अगर वो आता है तो कहीं घूमने जाएंगे।
वरना आपने ये बताना है कि आज का ये ईद का स्पेशल व्लॉग द अल्टीमेट ईद व्लॉग कुर्बानी व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया थोड़ा सा भी आपको ये माहौल मेरे व्लॉग के अंदर, मेरी वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें काशिव रूटीन को, और एक छोटा सा लाइक कर दें, मेरी हौसला अफजाई इससे हो जाती है। बाकी अपने भाई को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले ताज़े नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग आउट विद दिस वीडियो।